नमस्कार मेरे साथी डॉक्टर, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मेन मुद्दा ये था कि जैसे मैंने कहा कि पेशेंट को अगर पेन है, उसके फिशर हो रखा है या टीयर हो रखा है, तो उसका हम लोग कोई भी चीज़ इंसर्ट करके, जैसे कि फिंगर, कोलोस्कोप या प्रोक्टोस्कोप, जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होती हैं तीन चीज़ें, इनको इंसर्ट करके उसका पैरेटल एग्जामिनेशन नहीं करना है। लेकिन वहाँ पर पैदा ही प्रॉब्लम हो रही थी इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था जवाब से, कि अगर हमने ऐसा किया तो कभी कभार पेशेंट के इंटरनल ह्यूमराइड की डायग्नोसिस छूट जाती है, मिस हो जाती है। उसके इंटरनल ह्यूमराइड था, हमने उसको जब पीआर नहीं किया, परक्ल एग्जामिनेशन नहीं किया फिंगर से, प्रोक्टोस्कोप या कोलोनोस्कोप से, तो उसे छूट गई। तो आप सवाल मन में पैदा होता है, भाई हमने दवा लिख दी फिशर की, फिशर में तो आराम आया नहीं आया, बात की बात हो गई, लेकिन समस्या ये पैदा हुई कि उसके इंटरनल ह्यूमराइड ठीक नहीं हो रहा। लेकिन सर मेन चीज़ है कि उसके इंटरनल ह्यूमराइड था भी कि नहीं था, पहले ये तो पता चले। इंटरनल ह्यूमराइड को ढूंढने के चक्कर में अगर हमने उसके कोलोनोस्कोप या प्रोक्टोस्कोप या फिंगर को इंसर्ट किया तो हमने उसकी फिशर को बिगाड़ दिया, उसको तकलीफ दे दी, वो जो चल फिर रहा था उसको इतनी तकलीफ दे दी कि वो बिस्तर पर लग गया, दर्द की मारे रोना धोना, एनाल्जेसिक का यूज ये सब बढ़ गया। तो पहले हमको ये देखना है, जैसे तुमको ये बात पता होती कि पहले वो चीज़ जो इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है, उस चीज़ को पहले हमको रूल आउट करना है, उसमें आराम दिलाना है। जैसे कि इस जो बात कर रहे थे फिशर की, उसमें मरीज को पेन है, बेइंदा पेन है, और हमने प्रोक्टोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करने चक्कर में उसकी तकलीफ को बढ़ा दिया, दिस इज़ रॉन्ग एज पर मी, दिस इज़ रॉन्ग। तो बात थी कि उसके इंटरनल ह्यूमराइड है कि नहीं है। भाई अगर नहीं है या है, ठीक है, जानकारी तो हमको करनी है, लेकिन अगर नहीं है और हमने उसको ढूंढने के चक्कर में, इस लालच में या इस चाहत में कि उसके इंटरनल ह्यूमराइड मिस ना हो जाए, हमने उसका पैरेक्टल एग्जामिनेशन कर डाला, कोई चीज़ इंसर्ट करके फिंगर, प्रोक्टोस्कोप या कोलोनोस्कोप, या फिर अब एक अर्शोग्राम यंत्र भी यूज करने लग गए हैं लोग, उसको इंसर्ट करके अगर हमने उसको ढूंढने की कोशिश करी और नहीं मिला, तो भाई मिल गया तो अच्छी बात है, पेशेंट को बोल सकते हो भाई देखो तुम्हारे इंटरनल ह्यूमराइड था लेकिन, और इसका हम इलाज करेंगे तो पेशेंट सेटिस्फाई होगा, दर्द होगा, झेलेगा, रोएगा, पीटेगा, समस्या में आएगा, लेकिन मन में एक उसके भाव रहेगा कि भाई डॉक्टर साहब ने हमको ये पेन दे दिया एग्जामिनेशन के दौरान, वो हमारे भले के लिए था कि हमारे इंटरनल ह्यूमराइड भी था। लेकिन भाई अगर इसको इंटरनल ह्यूमराइड नहीं है और हमने पेन दे दिया, तब अगर पेशेंट को दर्द तकलीफ बढ़ जाती है और मरीज तकलीफ में आ जाता है, तो उसको हम क्या जवाब देंगे कि आखिर जो समस्या हमने उसके नहीं पैदा कर दी वो क्यों पैदा कर दी। तो उसके लिए जो हमको कोरिलेशन करना पड़ेगा उस चीज़ से, जो कि मैंने अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटरनल ह्यूमराइड में जो ब्लीडिंग होती है वो कैसी होती है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल ह्यूमराइड में पेन नहीं होता, पुरानी बात है ये, पुराने वीडियो की, लेकिन जो होता है उसका मेन सिम्टम होता है जेट लैग ब्लीडिंग, छेड़दार ब्लीडिंग, 2-4-6-10 बूंद वगैरह अगर इंटरनल ह्यूमराइड है ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का, तो ठीक है भाई उसकी कोई दवा लिख दी जाएगी जो कि आगे डिस्कस करेंगे, आराम आ जाएगा उसको। लेकिन भाई अगर ग्रेड 3 और 4 का है तो ऑब्वियसली पेशेंट बता रहा होगा कि वो अंदर से निकल के आते हैं बाहर, तो उसको रूल आउट करना अपने आप आसान हो गया, तो उसने बता ही दिया ना कि अंदर से निकल के आता है तो अंदर चला जाता है, जैसे ग्रेड 3 में होता है निकल के आया एनएस से और चला गया, लेकिन ग्रेड 4 में आया बाहर फंस गया, फिर उसको अंदर करना पड़ता है बाहर से प्रेशर दे करके, ये तो बताएगा तुमको, पता चल गया अपने आप। लेकिन ग्रेड 1 और 2 का है तो वो मेडिसिन से कवर हो सकता है, अगर वो चीज़ मेडिसिन से कवर हो सकती तो उसमें क्यों एग्जामिनेशन करना। अगर मन में शक है तो उसको दूर करने के लिए उससे कुछ पूछ लीजिए, 2-4 सवाल पूछिए, जेट लैग ब्लीडिंग बताइए उसने तो ठीक है, एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको उसने बताया पेशेंट ने कि उसके जेट लैग ब्लीडिंग होती है, तो भाई ठीक है जेट लैग ब्लीडिंग होती है, फीचर है ऊपर से है और इंटरनल ह्यूमराइड है क्योंकि जेट लैग ब्लीडिंग है, ग्रेड 1-2 का होगा तो मेडिसिन से कवर हो जाएगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा, पर मेडिसिन से आराम तो आ जाएगा। उस डायग्नोसिस करने के पहले हमको उसके उस पेन में फिशर की जो समस्या है उसमें आराम दिलाना है, ताकि 10 दिन की जो भी हम दवा लिखते हैं उस दवा में हम उसको हिमोस्टेट लिखेंगे, कुछ एनाल्जेसिक लिखेंगे, कुछ ऐसी दवाई लिखेंगे जिसकी वजह से एनल इंस्पेक्टर रिलैक्स कर जाए उसका, उसको करने से उसको जब उसको आराम आ जाएगा 10 दिन के 10 दिन जो भी आप दवा लिखते हैं, जैसे कि मैं अपनी प्रैक्टिस में 7 दिन की दवा लिखता हूँ, ऐसे में 7-10 से 10 दिन की दवा लिखी, उसको आराम आ गया, जब आराम आने के बाद 1 हफ्ते के बाद दोबारा आपके पास आता है, तब आप इस चीज़ को रूल आउट कर सकते हैं उसके इंटरनल ह्यूमराइड था कि नहीं था, क्योंकि आपको तो पता है आपने अपने प्रिस्क्रिप्शन में इस चीज़ को नोट करके रखा है, उसकी स्क्रीनिंग में इस चीज़ को नोट करके रखा है डाटा में कि उसके जेट लैग ब्लीडिंग थी कि नहीं थी। अरे अगर जेट लैग ब्लीडिंग नहीं थी तो बाद में भी पैरेटल एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है, और अगर जेट लैग ब्लीडिंग थी तो ये देखना था कि ग्रेड 3 और 4 का मसला था या 1 और 2 का मसला था, 3 और 4 का मसला है ग्रेड का,
तो भी ये एडमिशन करने की जरूरत नहीं हो, तो उसने बताई दिया कि आता है बाहर, तो आपको उसको डील करना है। लेकिन अगर पेशेंट के मस्सा निकल के बाहर नहीं आता, जेट टाइपिंग थी, तो मतलब कि उसके 1 और 2 ग्रेड का मस्सा था। अब क्योंकि उसके एनस रिलैक्स कर चुका है, उसको पेन कम है, उसका फिशर आपने 1 हफ्ते की मेडिसिन से हील करा दिया है, तब ऐसे में अगर आप उसका फिशर चेक करते हैं, उसको आराम नहीं आया है ब्लीडिंग में, अगर तो अगर आप उसका फिशर को चेक करने के दौरान आप कहते हैं कि भाई इंटरनल ल्यूमिनेट का मुझे शक है, मैं वो भी चेक करूँगा, थोड़ा सा पेन बढ़ जाएगा अगर आपके, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप ऐसा करेंगे तो आप अगर उसका पेन बढ़ा देते हैं, फिशर जो हील हो गया था आपकी दवा से, दोबारा करेक्ट कर दिया अगर, तो आपको पता है भाई वो हील कर चुका था, हम दोबारा हील करवा लेंगे। पेशेंट को आप बोल दीजिए कि भैया एग्जामिनेशन आपका किया है मैंने, वैसा इंटरनल ह्यूमराइड के सिम्टम थे, मैंने देख लिया आपके ग्रेड 1 या 2 के ह्यूमराइड है, इस दौरान हमने चेकअप जो किया इसमें आपका फिशर दोबारा थोड़ा क्रैक हो गया है, आपकी 1 हफ्ते की जो दवा मैंने चलाई थी वही दवा चलेगी, आपका हील दोबारा कर जाएगा और बेहतर हील कर जाएगा, क्योंकि अभी वो मेडिसिन 2 हफ्ते की हो चुकी होंगी, 1 हफ्ता पहले फिर 1 हफ्ता ये अला, पर आपको मैं कुछ दवाइयाँ बढ़ा रहा हूँ जो कि इंटरनल ह्यूमराइड में फ़ायदा करेंगी, आपको पता है क्या दवाई लिखनी है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या दवा लिखनी है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो उसको पेशेंट को जब तकलीफ बढ़ी होगी तो पेशेंट इस बात की कंप्लेन नहीं करेगा, उसको लगेगा भाई आराम तो आ ही चुका था, फिर से आ जाएगा। लेकिन हमको एक बार डायग्नोसिस हो गई बिना जाँच कराए, भाई देखिए अगर आप कोलोनोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी की भेज देते हैं तो मरीज का पैसा खर्चा होता है, आज की तारीख में गिरी से गिरी हालत में 5-7 हज़ार रुपये खर्चा हो जाते हैं, क्यों खर्चा करेंगे? अगर ऐसी बातों से आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन से उसका डायग्नोसिस हो जाएगी तो खर्चा बचेगा, पेशेंट दुआ भी देगा, आपकी प्रैक्टिस में फ़ायदा देगी ये चीज़। तो ऐसे हम रूल आउट कर सकते हैं इस तरीके से कि फिशर था, फिशर में आराम दिला लिया और रूल आउट कर लिया कि उसके इंटरनल ह्यूमराइड था कि नहीं था। इस तरीके से करने से दोनों चीज़ क्लियर हो जाएंगी, हफ्ते भर में उसको आराम भी आ जाएगा। आराम नहीं आता है अगर तो उसको अलग तरीके से देखना है, उसमें आगे बात करेंगे कि अगर उसके इंटरनल ह्यूमराइड था ग्रेड 1 और 2 को, उसमें आराम नहीं आया है और तो हम जो भी करेंगे, लेकिन फिशर में भी आराम नहीं आया है तो क्या करना है, आगे बात करेंगे इस विषय में। मैं आपका साथी डॉक्टर डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट और क्षारसूत्र विशेषज्ञ, इस बारे में बात करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और साथ के डॉक्टर्स की अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप से या फिर ईमेल के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं।